मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसे देगी टिकट, दिग्विजय सिंह ने कर दिया खुलासा। कमलनाथ बोले पैराशूट उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा टिकट। 230 सीटों के लिए 3100 से ज्यादा दावेदार आए सामने। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस खुद को अच्छी स्थिति में मान रही है। बीजेपी जिस तरह से एक नेता कांग्रेस की ओर कूच कर रहे हैं, उससे कमलनाथ उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह का भी उन्हें साथ मिला हुआ है। कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार विरोधी लहर उसका बेड़ा पार लगा देगी। इस बीच कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और कांग्रेस में अब तक 3100 से ज्यादा लोग दावेदारी जता चुके हैं, यानी हर सीट पर 12 से 15 दावेदार सामने आ रहे हैं। हर रीजन में कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने वालों की इस बार संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में टिकट किसे मिलेगा, इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि टिकट वितरण में कमलनाथ की ही चलने वाली है और अंतिम फैसला उनका ही होने वाला है। कमलनाथ के सर्वे में जो पास हुआ है उसको टिकट दिया जाएगा और जो फेल हुआ है उसका टिकट कट जाएगा। कमलनाथ ने भी एक स्वतंत्र एजेंसी से हर सीट पर सर्वे कराया है और ये सर्वे हर महीने हो रहा है। चुनावों तक लगातार सर्वे चलता रहेगा। हर महीने की जमीनी स्थिति से हिसाब से कमलनाथ के पास रिपोर्ट पहुंच रही है और इसी सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। टिकट वितरण को लेकर जब कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस चुनाव के लिए टिकट फॉर्मूला तैयार है। टिकट के लिए तेरा मेरा नहीं चलेगा। सर्वे और स्थानीय लोगों की राय के आधार पर टिकट तय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्वतंत्र सर्वेक्षण करा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी अपने स्तर पर एक सर्वेक्षण करा रही है। इसमें हम स्थानीय लोगों की राय को महत्व देंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि टिकट वितरण की कोई भी प्रक्रिया आम सहमति के आधार पर पूरी ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है कि वो हारने वाला है। सभी दावा करते हैं कि वो जीतने वाले हैं। कमलनाथ के इस बयान से पार्टी के कई नेताओं में मायूसी छा गई। दरअसल चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वाले नेता ही परेशान नहीं है, बल्कि परेशानी 2018 में चुनाव जीते विधायकों के सामने भी है, क्योंकि कमलनाथ ने जो सर्वे कराया है उसमें 50% विधायक हारते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ कांटे के मुकाबले में फंसे हैं। कमलनाथ ने कमजोर सीटों को लेकर विधायकों को पहले भी सचेत कर दिया है और कह दिया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो फिर टिकट काट दिया जाएगा। इस बार पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस आलाकमान जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ सहित पार्टी के दूसरे नेता बीजेपी की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच कमलनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि अगले 50 दिनों के अंदर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में अधिकांश नाम वर्तमान विधायकों के होंगे। इसके लिए 2018 में चुनाव हारे या चुनाव नहीं लड़ने वाले कुछ लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि पहली सूची में 70 से 80 नाम शामिल हो सकते हैं। दूसरी सूची ऐसे उम्मीदवारों की होगी जहां पार्टी का प्रदर्शन पिछले 3 चुनावों में कमजोर रहा है, यानी बीजेपी की मजबूत सीटों पर दूसरी सूची में अधिकांश उम्मीदवारों के नाम होंगे और इस सूची में भी 60 से 80 नाम हो सकते हैं। अंतिम सूची उन सीटों की होगी जहां पार्टी के पास दावेदारों की पूरी फौज है, यानी जहां ज्यादा नेता दावेदारी कर रहे होंगे और सर्वे में कम से कम 2 नेता बेहद करीबी की टक्कर में दिखाई दे रहे होंगे। उन सीटों पर पहले बीजेपी की सूची का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, जिससे अगर किसी कद्दावर नेता का टिकट कटता है तो वहां बगावत न कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।